चलिए अब सवाई माधोपुर के बोली से बड़ी खबर का रुख करते हैं और आपको बता दें कि टेंट व्यवसायी की बंद दुकान में मिले दो शव। बामनवास पट्टी खुर्द में स्थित है टेंट व्यवसायी की दुकान। दुकान मालिक गिरिराज शर्मा, कर्मचारी विपिन मीना के बताए जा रहे हैं ये शव। दुकान में कपड़े से ढके हुए थे दोनों शव। प्रथम दृष्टया हत्या का लग रहा मामला। SHO ब्रिजेश मीना में जाब्ते मौके पर पहुंचे हैं। गंगापुर सिटी से बुलवाई FSL की टीम। तो बेहद गंभीर ये पूरा मामला। सवाई माधोपुर के बोली से एक खबर है, टेंट व्यवसायी की बंद दुकान में दो शव मिले हैं। बामनवास पट्टी खुर्द में स्थित है टेंट व्यवसायी की दुकान। अब सवाल ये भी कि ये शव किसके हैं। प्रथम दृष्टया जिस तरीके से हत्या का मामला ये नजर आ रहा है, तो हत्या किसने की, क्यों की, क्या वजह इसके पीछे है, तमाम सवाल है जिनका जवाब ढूंढना बेहद जरूरी हो जाता है। और ये दो लोग कौन जिनकी हत्या की गई है। तो बामनवास पट्टी खुर्द में स्थित है ये टेंट व्यवसायी की दुकान, जिसमें दो शव मिले हैं। दोनों ही शव कपड़े से ढके हुए बताए जा रहे हैं, जब मिले हैं उस दौरान की बात बता रहे हैं। तो वहीं दुकान मालिक गिरिराज शर्मा, कर्मचारी विपिन मीना के ये शव बताए जा रहे हैं। दुकान मालिक गिरिराज शर्मा और कर्मचारी विपिन मीना के शव बताए जा रहे हैं। अब किसने हत्या की, ये भी बेहद गंभीर सवाल। दुकान में कपड़े से ढके हुए थे ये दोनों शव, और किस तरीके का माहौल आसपास है वो भी तस्वीरें बयां कर रही है, क्योंकि लोग वहां पर इकट्ठा नजर आ रहे हैं। जैसे ही सूचना लोगों तक पहुंची तो लोग वहां पर इकट्ठा होना शुरू हो गए। तो दुकान में कपड़े से ढके हुए ये शव मिले, तो वहीं दुकान मालिक गिरिराज शर्मा और कर्मचारी विपिन मीना के ये शव बताए जा रहे हैं। प्रथम दृष्टया हत्या का ये पूरा मामला लग रहा है। तो वहीं SHO ब्रिजेश मीना में जाब्ते मौके पर पहुंचे हैं, उनके ओर से आगे की कार्रवाई की जा रही है। गंगापुर सिटी से FSL की टीम बुलवाई गई है। किसने ये हत्या की, बड़ा सवाल अपने आप में, और क्या वजह इस हत्या के पीछे। सवाई माधोपुर के बोली से एक खबर है। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशीष मित्तल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या कुछ जानकारी अब तक लग पाई है? ये जो पूरा मामला है बामनवास के पट्टी खुर्द का है, जहां एक टेंट व्यवसाय की दुकान है और वहीं उसका मकान है। वहीं एक जो दुकान है उसके बंद कमरे में दो शव मिलने की बात सामने आ रही है, जिसके बाद SHO ब्रजेश मीणा जो है वो मौके पर पहुंचे हैं और डिप्टी तेज कुमार पाठक भी मौके पर पहुंचे। बहरहाल जो शव है वो टेंट व्यवसायी गिरिराज शर्मा, जिसकी उम्र लगभग 77 वर्ष बताई जा रही है, उसका और एक उसके जो मुनीम है जिनकी उम्र 16-17 वर्ष है और नाम विपिन मीणा है, ये दोनों शव उनके बताए जा रहे हैं। बहरहाल जो डिप्टी तेज कुमार पाठक है वो मौके पर पहुंच चुके हैं और FSL जो टीम है वो मौके पर बुलवाई गई है। इसके बाद ही जो है कारणों का खुलासा हो पाएगा। जी चलिए आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।